नमस्कार साथियों, आज हम आ चुके हैं टॉप ऑफ द हिल्स। इसको समूह का स्वर्ग बोलते हैं और आप देख सकते हो पूरा यहाँ का एरिया बहुत ही सुंदर एरिया है। जो अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये वो आप हिल देख रहे हो ना, इसको उसकी इसकी ऊँची बराबर है लेकिन आपको वहाँ की कम लग रही होगी। वो जो नदी निकली है ना, वो कौन सी महुअर नदी है, महुअर है ना, वो महुअर नदी है। और यहाँ का आप देख सकते हो ये जो खेत है ना, इसको मध्य प्रदेश का सोना उगाने वाली जगह जमन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ एक बार आपने पानी दे दिया एक बार में गेहूँ हो जाते हैं। और आप देख सकते हो ये टॉप ऑफ द हिल्स पूरे ऊपर बनी हुई है, ये बिल्कुल प्राचीन काल की है। आप देख सकते हो इसमें जो यूज हुआ है, ये जो चूना है, जब बहुत पहले सीमेंट का इजाद नहीं हुआ था, आविष्कार नहीं हुआ था उस टाइम पर, दोस्तों इसी चूने से बनाया जाता था। पूरा नरवर का किला भी इसी चूने से बना हुआ है, चूने से। और ये हमारे बड़े भैया बबलू भैया, और आप देख सकते हो क्या सुंदर नज़ारा है। इसको यहाँ का स्वर्ग बोलते हैं। एक्चुअल में स्वर्ग इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी, वहाँ आप खड़े हो जाओ ना तो आपको इतनी गर्मियों में ठंडक का एहसास, और ठंडों में गर्मियों का एहसास आपको हमेशा होता है। यहाँ यदि आपका दिमाग ख़राब हो रहा है, कभी आपको प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ के आप 2 मिनट बैठ जाओ, ठंडी हवा, सुंदर हवा। आप देख सकते हो सूरज भी कितना मेहरबान है, कितने सुंदर तरीके से छुपा हुआ है उसमें, बादल में। और